हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दिशा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ थाई इडली की रेसिपी, जिसे हम इडली का रायता भी कह सकते हैं। इसे घर पे बनाना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा इडली बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कभी इडली सांभर घर पर बनाते हैं तो बची हुई इडली में से इस रायते को ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आपका एक्सपीरियंस भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इडली का रायता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इडली को पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है। इस इडली को 4 पीसेस में कट कर लेंगे। पहले इस तरह से सारी इडली को कट कर लेंगे। पहले ये देखिए, इडली के सारे टुकड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल लेके इसको डीप फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करते वक्त ध्यान से आप अपने गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। इसे हमें ब्राउन कलर का होने तक फ्राई करना है। जब ये फ्राई होने लगेंगे तो ये क्रिस्पी भी होने लगेंगे। ये देखिए, इसका जो कलर है वो चेंज होने लगा है। ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये क्रिस्पी भी दिखाई दे रहा है। इसे हम एक टिश्यू पेपर पे निकालेंगे, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा टिश्यू में। इस तरह से सारे टुकड़ों को फ्राई कर लेंगे। पहले फ्राई करते वक्त आप ध्यान से गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे आप इसे फ्राई करेंगे तो ये बाहर से जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होंगे। निकाल लेंगे इसे। रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम जितना दही लिया है, और इसको बीटर की मदद से पहले से ही फेंट के रखा हुआ है। अब मैं इसमें ये पीसा हुआ चीनी डालूँगी। यहाँ पे मैं पहले आधा चीनी का इस्तेमाल करूँगी। मिक्स कर लेंगे इससे अच्छी तरह से। रायता 2 तरीकों से खाया जाता है, स्वीट और सॉल्टेड। अगर आपको सॉल्टेड रायता पसंद है तो आप चीनी को इग्नोर करके सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे और चीनी की ज़रूरत लग रही है, मैं बचा हुआ सारा चीनी इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 500 ग्राम जितने दही में 100 ग्राम जितने चीनी का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी है। आप मीठापन अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए सबसे पहले सर्विंग बाउल में हम फ्राई किए हुए इडली के पीसेस लेंगे। इडली के पीसेस को फ्राई करने के बाद तुरंत 10 से 15 मिनट में इस्तेमाल कर लीजिए, वरना तो ये सॉफ्ट होने लगेंगे। अब इसमें दही डालेंगे। इडली के टुकड़े जितने भी क्रिस्पी हो गए उतना खाने में बहुत मज़ा आएगा। अब ये नमकीन बूंदी डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन ये अच्छी लगती है इसके साथ, सो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें। मिर्च पाउडर, मरी पाउडर, ये हमारी इडली जो है वो खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है।